पिछले साल ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही संकट गहरा गया है। साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन से जन्मी पार्टी पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगने से उसकी काफी किरकिरी हो रही है। मंगलवार देर शाम मनीष सिसोदिया के मंत्री पद से इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। जहां आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से जेल में रहने के बावजूद मंत्री रहे, वहीं सिसोदिया ने 48 घंटे के भीतर ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी और कांग्रेस इसका जमकर सियासी फायदा उठाने की जुगत में लग गए हैं। कैसा काम करते हैं, और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। ये है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। बता दें कि अकेले सिसोदिया के पास कुल 33 विभागों में से 18 विभागों का जिम्मा था। इनमें कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी सिसोदिया के कंधों पर थी। ऐसे में सिसोदिया की गैर मौजूदगी में विभागों के कामकाज में दिक्कत आने के चलते ये कदम उठाया गया है। मालूम हो कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 7 मंत्री ही हो सकते हैं। अकेले पड़े सीएम केजरीवाल की मंशा अब कमजोर पड़ते दिल्ली मॉडल को मजबूत करने पर टिकी है। माना जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन को लेकर आप पार्टी से बड़ी चूक हुई है। पार्टी ने उम्मीद जताई थी कि सत्येंद्र जैन जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। खुद सीएम केजरीवाल ने जैन को भारत रत्न देने की वकालत की थी, मगर हुआ इसके ठीक उलट। जहां सत्येंद्र जैन का अभी और समय तक जेल में रहने की संभावना है। बहरहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग को कैसे दूर करती है।